हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा हेल्दी और टेस्टी सैंडविच। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। इसमें तेल भी नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है और अच्छा क्रिस्पी होता है। ये देखिए ब्रेड जो हमारा है दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी हो चुका होता है। मैं आपको कट कर दिखा देती हूँ। आलू का जो हमारा ये सैंडविच रहता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। देखिए ये मैंने उसको कट करके देखिए, अंदर से भी एकदम अच्छा सिक चुका है ये और बाहर से भी अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसको बनाना कैसे है, उसके हम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सैंडविच। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आलू लिए हैं, दो बड़े आलू जिसको मैंने उबाल के बारीक बारीक फोड़ लिया। ये देखिए एकदम पेस्ट जैसा बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्ची। ये तीनों चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे। बहुत बारीक बारीक काटना है प्याज को, हर चीज़ को। और मिर्ची अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं, मैंने बहुत थोड़ी सी ली है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच, आधा चम्मच थोड़ा कम धनिया पाउडर। चाट मसाला आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, एक चम्मच अच्छा भर के सौंफ का पाउडर। ये सौंफ के पाउडर से फ्रेंड्स क्या होता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। सारा जो भरता है अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बैटर बना लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और ये हमारे ब्रेड है, इसको कट वगैरह कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स आपको। बस आपको इसी तरह से इस पर आलू का भरता हमको रखना है। ये देखिए चम्मच से या हाथ की मदद से आप इसके ऊपर ये आलू का भरता अच्छे से फैला सकते हैं, सारे कोने पे अच्छे से ये फैल जाए, अच्छे से लगा देना है। ये देखिए हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक और ब्रेड रख देंगे ये इस तरह से, और बस ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको सेक लेंगे, मतलब इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन तेल में नहीं, थोड़ा सा मस्का लगाएंगे। ये देखिए बटर, ये देखिए। अब इसको हमको रख देना है ऐसे, और उसके ऊपर भी हमको हल्का सा मस्का लगा देना है। इससे फ्रेंड्स क्या होता है ना, अच्छा क्रिस्पी भी होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए एक साइड से हो चुका है, सिक चुका है, अच्छा देखिए ब्राउन हो चुका है। इसको अब दूसरी तरफ से भी अच्छा सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से अच्छा फ्राई हो गया, ये सिक गया है। ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ दोनों साइड से कितना अच्छा हो गया ये। बस फ्रेंड्स ये रेडी हो चुका है, प्लेट में निकाल लूँगी इसको। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये हमारा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिना तेल के। बस थोड़ा सा हमने इसे मस्का लगाया है ताकि ये क्रिस्पी हो चुके। ये देखिए दोनों साइड से अच्छा कलर आ चुका है इसका, और ग्रीन चटनी के साथ में हम इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर में बना के सैंडविच को इंजॉय करिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।